आदिवासी कश्यप कार निषाद भोई कोली के समन्वय समिति का जो अधिवेशन हो रहा है, सब सदस्य बहुत अलग अलग राज्यों से, अलग तालुका से, तहसील से, गांव से आए हुए हैं। पहली तो ये नई मुंबई आधुनिक शहर के तौर पे मैं आपका इस शहर में, क्योंकि इस जिला का मैं 3 बार पालक मंत्री रहा हूं, 90 से लेके विधायक रहा हूं, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जनता का प्यार रहेगा तो सर्वसामान्य इंसान भी बहुत बड़ा बन सकता है। अपने पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने भूतकालखंड में जिन्होंने राज्य किया, इन लोगों ने कितनी लोगों की मन की दुख धारा देखी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब से 2014 से मोदी साहब ने इस देश की डोर अपने हाथ में ली है, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का पूरा नियोजन किया, कहा का कौन से धर्म के, जात के, पंथ के, वर्ण के लोग दुखी है, इस राष्ट्र के प्रवाह से अलग है, उसका स्टडी करने के बाद, खाली स्टडी करके अहवाल लेके अपने टेबल पे नहीं रखा, तो उसके लिए उन्होंने देश के अर्थ संकल्प में सभी जाति जमाति को उनका हक मिले उसके लिए पूरा बंदोबस्त किया। जैसे कि अगले कालखंड में 21,000 करोड़ रुपए का वो जो राशि थी, मोदी साहब के कालखंड में 78,000 करोड़ की वो राशि बन गई। इसका मतलब मोदी साहब ने दिल से इस सब लोगों का विकास करने का मन किया। अपने देश का अमृत महोत्सव अपन मना रहे हैं, और इस कालखंड में देश के हर कोने में हर तबके का समाज देश के प्रवाह में गतिमान हो जाए, उनका सामाजिक विकास हो जाए, उनका राजकीय विकास हो जाए, साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो जाए, इसके लिए मोदी साहब ने हमेशा अपनी निगाह उधर रखी और उसके मुताबिक हर इलाके में लोगों को मदद मिल रही है कि नहीं, उसका पूरा सारांश अपने अभ्यास में लिया। जैसे कि अभी एक महाराष्ट्र में टीवी पे जाहिरात आती है आवास योजना की, लेकिन आवास योजना की जाहिरात आती है वो योगदान महाराष्ट्र सरकार का नहीं, वो केंद्र सरकार का है। वहां पे वो केंद्र सरकार के योगदान को याद करने का मंसूबा नहीं रख रहे, इस बात का दुख होता है। राज्य ने कुछ प्रगति की, डेफिनेटली उनकी सराहना करना अपना काम है, लेकिन जिनसे मदद मिली वो केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी साहब का नाम का उल्लेख करने की उनको एक मन में उनको डर लगता है कि लोगों के सामने मोदी साहब को लेके जाएंगे तो फिर हमारा हिस्सा क्या रहेगा, ऐसा उनको मन में एक शक लग रहा। मोदी साहब के कालखंड में जो कोरोना का कालखंड जो कोविड-19 वो कालखंड में मोदी साहब ने गरीब लोगों के लिए अनाज का मुफ्त बंटवारा करने का आदेश दिया और वो अभी तक कई कई इलाके में जारी है। ऐसे नेतृत्व में सही ढंग से संस्कृति का जो राम राज्य की संकल्पना थी, प्रभु रामचंद्र, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु गौतम, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान वर्धमान महावीर, और उसके आगे आगे जाते तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, ऐसे महान प्रभु तीन लोगों ने समाज के प्रति अपना योगदान दिया, इसलिए उनका आज भी नाम अपन लोग ले रहे हैं। रमेश दादा पाटिल ऐसे तो फिशरमैन कम्युनिटी से होने के बावजूद भी वो खाली फिशरमैन नहीं रहे, उन्होंने उद्योग में कदम रखा। मेरे स्मरण के मुताबिक इस
एमआईडीसी में ऑक्सीजन का प्लांट लगाने वाले, ऑक्सीजन का निर्मित करने वाले स्थानिक लोगों में से रमेश दादा पाटिल पहले एक व्यक्ति थे। बाद में उनके सुपुत्र केतन, उन्होंने कैपिटल के बिजनेस में आए, आरएमसी के बिजनेस में आए और अभी बहुत भारी मात्रा में अपनी खुद की प्रगति करते करते अपने साथी लोगों को भी उस प्रगति का मदद मिले, उसके लिए उनका प्रयास जारी है। मुझे आप लोगों को देख के बहुत आनंद हो रहा है। मैं रमेश दादा से बोल रहा था कि भाई सबके चेहरे पे आनंद दिख रहा है, इसका मतलब आप नई मुंबई शहर में आने के बाद में आपका जो दिल से स्वागत किया गया है उस स्वागत पे आप खुश है। Am I right or wrong? सही है। तो आगे चल के अभी ये तो हाल में अधिवेशन हुआ है, रमेश दादा को मैं कहूंगा कि बड़े मैदान में कभी अधिवेशन करने का होगा तो भी रमेश दादा को आप याद करो, पूरी ताकत से आप रमेश दादा के साथ में खड़े रहेंगे। रमेश दादा, इस खुशी के वक्त में आपने हमें याद करके बुलाया, चेतन खुद आमंत्रण करने को आया था, मैंने बुलाया मैं आऊंगा रमेश दादा का कार्यक्रम, और तुम्हारे परिवार ने जो कुछ भी समाज के प्रति योगदान देने का इरादा किया है वो हर योगदान के वक्त में एक साक्षीदार के तौर पे हम खड़ा रहने वाले हैं। आपसे मिलकर खुशी होगी, बहुत बड़े मानव व्यासपीठ पर मौजूद है, इस शहर का पहचान है, ये शहर में रहने वाला हर धर्म का, जात का, पंथ का, वर्ण का, वर्ग का इंसान स्वाभिमान के साथ, निर्भयता के साथ रहता है और उसका श्रेय वही जनता को जाता कि जिन्होंने अपने सही प्रतिनिधि को वहां पे बड़ा बनाने का इरादा किया। मुझे आप लोगों का सबका दर्शन देने का रमेश दादा और उनके परिवार ने मौका दिया, महाराष्ट्र महापोलिस संघ ने मौका दिया, इसलिए मैं सबका आभारी हूँ। आगे चल के आपका फिर से दर्शन करने का मन में इरादा रखता हूँ, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।